मेरा नाम है हर्षिता शाकल्या और मैं इंदौर की निवासी हूँ। पिछले 3 साल से मैं एक टाइगर रिज़र्व में रहती हूँ मेरे 3.5 साल के बेटे और हस्बैंड के साथ। जंगल आके मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि हम लोग कितने नेचर से दूर जा चुके हैं और बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं और जिनके बहुत अच्छे मायने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, और शहरीकरण से या कमर्शियलाइजेशन के कारण हम उन सब चीज़ों को भूल गए हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए मेरी एक तरह की खोज शुरू हुई हमारे आसपास के गाँव में, जंगल में, कि क्या चीज़ें हैं जो आज की बीमारियों के लिए यूज़ की जा सकती हैं। मोस्ट ऑफ़ आर सिटी पीपल जो हम स्ट्रेस की प्रॉब्लम, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम्स, ये सब के सॉल्यूशंस नेचर में अवेलेबल हैं और इसके लिए कोई डॉक्टर या कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या खा सकते हैं या हमारे बच्चों को हम ऐसा क्या खिला सकते हैं कि वो उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, वो बड़े मजबूत रहें, बीमार कम पड़ें, या अगर बीमार हों तो जल्दी ठीक हो जाएँ और नेचुरली हो जाएँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया जंगल में। इट्स कॉल्ड प्राणा सुपरफूड्स। प्राण का मतलब होता है लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति जिसको हम कहते हैं। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उनका एक ही इंटेंशन है कि हमारी लाइफ फोर्स को वो स्ट्रॉन्ग करे, प्राण शक्ति को बढ़ाए। तो इसमें बहुत सारा आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंस हम यूज़ करते हैं रेसिपीज़ में, जैसे शहद रस होना चाहिए किसी भी खाने में उसको कंप्लीट बनाने के लिए, या फ्रेश और नेचुरल होना चाहिए। अब ये सारे प्रिंसिपल्स बुक्स में बहुत अच्छे लगते हैं, पर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना एक शहर के निवासी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि उसके पास भाग दौड़ है, काम में मन लगा हुआ है, या हज़ार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो अपने तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोडक्ट्स हमने ऐसे फॉर्मुलेट करे हैं कि वो टेस्टी भी हों, हेल्दी भी हों और कन्वीनियंस फूड्स हों जो आज की जनरेशन को पसंद आए और उनको वो सारे पुराने वाले बेनिफिट्स भी दे जाए। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने काफ़ी खुद भी पढ़ाई करी, रिसर्च करी, बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स को भी कंसल्ट किया, और जो गांव के पुराने मेथड्स थे या जो विलेज जो विमेन है जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनको भी अपग्रेड कराया, कुछ उनसे सीखा, कुछ हमने उनको सिखाया, थोड़ा नो हाउ दिया कि कैसे हाइजीनिकली कोई भी प्रोडक्ट वो बना सकते हैं। हमने उनको पैकेजिंग अच्छी कैसे करें, अट्रैक्टिव कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स बाज़ार में अवेलेबल हैं पर उनको जनरली बोरिंग करार दिया जाता है कि अट्रैक्टिव नहीं है, या अरे ये तो सब ओल्ड जनरेशन के लिए है, हमारे लिए दिस इज़ नॉट वर्थ इट। तो हमको उसको रेलेवेंट बनाना था आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि इश्यूज़ तो मोस्टली करंट स्टेट में है। 21-22 साल के बच्चे डिप्रेशन में हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, हज़ारों दिक्कतें हैं जो हमने खुद क्रिएट करी है। तो उनके लिए ये सिंपल सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ एक चम्मच अचार है जो आपको अपने मील्स के साथ खानी है, उसमें कोई बहुत बड़ा मेडिकल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। बस सिंपल आयुर्वेदिक प्रिंसिपल है कि आप एक चम्मच हल्दी अगर अपनी मील में गरम करी हुई खाएंगे तो आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होगी, इम्यून सिस्टम तगड़ा होगा। तो इन प्रिंसिपल्स को हम मस्ती में और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी हमारे प्रोडक्ट रेंज में मोस्टली पिकल्स हैं क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास जैम्स हैं, चटनीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम बहुत छोटे छोटे बैचेस में बनाते हैं, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं। तो अगर अभी ऑरेंज का सीज़न है तो आपको ऑरेंज जैम, ऑरेंज पिकल सब अवेलेबल हो जाएगा, पर अगर वो हमारे पास स्टॉक में ख़त्म हो गया तो वो बैच आपको फिर से नेक्स्ट सीज़न में ही अवेलेबल होगा जब वो फ्रेशली अवेलेबल है आपके पास। तो हमारा अटेम्प्ट है कि हम उसमें कुछ भी अनट्रू या गलत ना डालें, या ऐसा कुछ भी ऐड ना करें जिसको आप प्रोनाउंस ना कर सकें, जो आपने कभी सुना ही ना हो ना देखा हो। मोस्ट प्रोडक्ट्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके खुद के कबर्ड में अगर आप किचन में ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, पर आपके पास उसको बनाने का या समय नहीं है या आपको उस कॉम्बिनेशन को बनाने का नॉलेज नहीं है। तो वो सारा काम हम कर रहे हैं हमारे एंड पे ताकि हेल्थ बेनिफिट आपको मिले और जो हमारे साथ जुड़े हुए फार्मर्स हैं उनके लिए एक प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं उनको अपने प्रोडक्ट का अच्छा वर्थ मिले। तो ये पूरे साइकिल में
सबका बेनिफिट रहे इज आर अटेम्प्ट. एंड यूज़र को अच्छी हेल्थ और फार्मर को उसके प्रोड्यूस का अच्छा पैसा. जी मेरे पास अभी है एक, हमने हल्दी का अचार बनाया है रॉ हल्दी को यूज़ करके, फिर ग्रेट चिली का जैम बनाया है, देन वी हैव पिकल्स में तो मैंगो जो मस्टर्ड पिकल पुराने स्टाइल से बनाई जाती थी, सेम रेसिपी को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, वी हैव नॉट ऑल्टर्ड. सिर्फ डिफरेंस हमारे पिकल्स में ये किया है कि सारों में आयोडाइज सॉल्ट नहीं यूज़ करते हैं, हम नेचुरल सॉल्ट्स हैं. किसी में हिमालयन पिंक सॉल्ट डाला है, तो किसी में रॉक सॉल्ट है, किसी में सेंधा नमक. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉल्ट्स हैव बीन यूज्ड एंड ऑयल अगेन, सब कच्ची घनी का ऑयल हमने यूज़ किया है, क्योंकि आप जब इतना सा भी अगर खा रहे हैं, हमारी बॉडी उसको असिमिलेट करेगी, बॉडी में न्यूट्रिएंट जा रहा है, तो बेस्ट क्वालिटी क्यों ना खाया जाए. अब प्राइस पॉइंट पे देखेंगे तो होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट देन दिस इज़ द प्राइस जो आप अपने बॉडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप ये सिंपल चीज़ें खाकर अपने आप को बीमारियों से दूर करेंगे और लॉन्ग टर्म हेल्थ अचीव करेंगे. सो आपको लॉन्ग टर्म में इससे रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे, वजह कि हम आज कुछ फास्ट फूड खाएं या चीज़ें जिसमें एडिटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है. जी मैं पेंच में रहती हूँ, आसपास जंगल है मेरे पास, फार्मर्स हैं, विलेजेस हैं, तो काफ़ी कुछ नेचुरली ग्रो होता है जिसमें कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं है. हम उसमें कोई भी ऐसा केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं, नेचर ने हमें वो चीज़ें गिफ्ट करी हुई हैं और हम सिर्फ उसको बेस्ट मेथड में कंज्यूम करने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं. उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे अबंडेंस में ग्रो होता है, पर उसका कोई यूसेज ऐसा कन्वर्ट करने का हमने मेथड निकाले, कुछ रेसिपीज़ ऐसे डेवलप करी हैं ताकि जो प्रोडक्ट वहाँ पे ईजिली ग्रो होता है तो उसको कन्वर्ट करें एंड उसके हेल्थ बेनिफिट्स हम आगे पहुँचा पाएँ. वहाँ पे फिर क्या होता है, कोई एक फार्मर को वही प्रोडक्ट लेकर शहर आना पड़ता है, एक मीडिएटर के थ्रू डील करना पड़ेगा, या खुद ना खुद आए तो जो बाज़ार में भाव मिल रहा है उसको उसी भाव पे बेचना होगा. तो इसमें जो फ्लक्चुएशन है दैट इज़ इररेलेवेंट. उसको जब प्रोडक्ट का एक बेटर रेट मिल रहा है, आपको एक बेटर हेल्थ मिल रही है. एंड सेम विद द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रो होती हैं जंगल में जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जो हम भूल चुके हैं, जो हम अब यूज़ नहीं करते हैं. जैसे कि महुआ बहुत ग्रो होता है, उसको सिर्फ एक कंट्री लिकर की तरह यूज़ किया जा रहा है करंटली, बट उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स थे और ये गांव में सालों से यूज़ हो रहा था, ट्राइबल्स इसकी वैल्यू जानते थे. अब पर उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन सब कमर्शियल होते होते यूसेज भी भूल गए हैं और किस काम की थी वो चीज़ें वो भी भूल चुके हैं. तो हम ऐसी चीज़ों को रिवाइव करने में भी पूरा उनका हेल्प करते हैं एंड वी आर ब्रिंगिंग इट बैक टू द मेन वर्ल्ड, कि अगर वो चीज़ थी और इतनी अच्छी थी तो वो क्यों उसको ख़त्म करें, क्यों उसको डाई होने दें. हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं और इसके लिए वापस इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ ला रहे हैं, मेथड्स ला रहे हैं, कि एक नॉर्मल कंज्यूमर को भी बिना टेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना उसको बोरिंग कहलाए, वो भी खा सकता है. ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई ऑर्डर करना चाहे, जी जी जी, वो हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, प्राना superfoods.in. वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जब सीज़न में हैं तब मिल जाएंगे आपको. पर काफ़ी चीज़ें मैं बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हर समय नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि ये सीजनल है और मैं उसको बहुत छोटी बैच में बनाना चाहती हूँ ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन की जा सके. इसमें मशीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, फार्मर से ख़रीदा जा रहा है, गांव वाली लेडीज़ इसको बना रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, हम हाथ से उसको सब चीज़ों को पैक कर रहे हैं. तो इसमें कहीं भी कोई मशीन का उपयोग नहीं है, हर जगह हमारी, हम खुद उसको चेक कर रहे हैं, राइट, जब उसको प्लक किया जा रहा है उसकी क्वालिटी चेक हर स्टेप पे हो रही है. तो मैं उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उसका सोल पर्पस ही ये है कि आपको उसका हेल्थ बेनिफिट मैक्सिमम मिले. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी हमारा समय दिया. जी थैंक यू.